वर्ष 1907 ये वो साल था जब बेल्जियम के रसायन शास्त्री लियो हेड्रिक बैकलैंड ने अपने महत्वपूर्ण अनुसंधान के दौरान प्लास्टिक की खोज की थी। तब किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जो प्लास्टिक उस समय मानव समाज के लिए एक वरदान बनकर आया था, वही आगे चलकर ये हम सब के लिए अभिशाप बन जाएगा। प्लास्टिक के इस्तेमाल के क्या नुकसान है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल ने अब इतना खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है कि इसके बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगाने का फैसला लिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन से पहलू हैं, आज इसी वीडियो में हम यही सब जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। तो अब बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। इसका नतीजा ये है कि जगह जगह प्लास्टिक के कचरे का अंबार देखने को मिल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में दुनिया भर में भारत का 5वां स्थान है। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 लाया गया। इस नियम के तहत ऐसी कंपनियां जो अपनी पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग करती हैं, उन्हें ही इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। साथ ही 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। यानी अब अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों को इस पाबंदी के दायरे में रखा गया है। इनमें गुब्बारों, झंडों, कैंडी, आइसक्रीम में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, कांटे, चाकू और तश्तरी शामिल हैं। इसके अलावा मिठाई के डिब्बों, थर्मोकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, प्लास्टिक के चम्मच, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर भी इसमें शामिल हैं। हालांकि वेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि बहुराष्ट्रीय और देश की बड़ी कंपनियों को प्लास्टिक के उपयोग करने की छूट देना उनके साथ सौतेला व्यवहार है। सरकार को कड़ाई से इस नियम का सभी से अनुपालन कराना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें बताएं। आप देखते रहिए टीवी 19, आपकी आवाज़।